हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनेक स्वावलंबी योजनाएं चलाई हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार आर्थिक मदद देने के साथ साथ जरूरी प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। प्रदेश के कई युवा इन योजनाओं से लाभान्वित होकर अच्छी कमाई कर रहे हैं और परिवार का बेहतर पालन पोषण कर रहे हैं। जिला मंडी के उपमंडल पद्धर की ग्राम पंचायत दलाह में गांव चमाह के रहने वाले रमेश चंद भी इन्हीं में से एक हैं। वह मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का लाभ लेकर हर साल 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। रमेश चंद का परिवार पुश्तैनी तौर पर मधुमक्खी पालन से जुड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम रमेश चंद, मैं ग्राम पंचायत दला पद्धर तहसील पद्धर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना जो हिमाचल सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इसके तहत हमने मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया। इसके लिए हमने कृषि विज्ञान सुंदरनगर और हिमाचल प्रदेश नौणी विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया। हमारे पास दोनों प्रकार से मधुमक्खी का पालन हो रहा है। एक पुराने जो तौर तरीके हमारे ट्रेडिशनल जिसे हम बाल हाइव कहते हैं उसी प्रकार से भी हम मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं, और दूसरा जो साइंटिफिक वैज्ञानिक बॉक्स है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे पास मधुमक्खी की 100 के आसपास कॉलोनियां है। इस व्यवसाय से हम जैसे फ्रेमे बेचकर और शहद बेचकर लोकल मार्केट में अपने कुछ मधुमक्खी की फ्रेमें बेचकर और बॉक्स बेचकर सालाना 4 से 5 लाख की इनकम कमा रहे हैं। बेरोजगार भाइयों से आग्रह रहेगा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही ऐसी योजना का लाभ उठाकर अपने लिए रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योजना चलाने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।